नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। नैनीताल में इस बार 28 अगस्त को होने जा रही 11वीं नैनीताल मॉनसून माउंटेन मैराथन रन फॉर पहाड़ थीम पर आधारित होगी। अब तक करीब 200 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। इसमें दुबई, मुंबई समेत कई शहरों के प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। वहीं आयोजक संस्था रन टू लिव ने LIC और जिला प्रशासन की मदद से मैराथन की सफलता की तैयारी शुरू कर दी है। रन टू लिव संस्था के आयोजक सचिव और अंतर्राष्ट्रीय धावक हरीश तिवारी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि मैराथन का आयोजन 28 अगस्त की सुबह 7 बजे से मल्लीताल पंत पार्क में होगा। मैराथन में कुल 3 लाख रुपए के पुरस्कार रखे गए हैं। मैराथन कई वर्गों में होगी। 21 किलोमीटर में पुरुष, महिला और बुजुर्ग वर्ग के प्रतिभागी शामिल हो सकेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 21 किलोमीटर पुरुष वर्ग में 50, 25 और 15,000 रुपए का पहला, दूसरा और तीसरा, जबकि चौथे और पांचवें स्थान के प्रतिभागी को 10 और 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसी तरह 21 किलोमीटर महिला वर्ग में पहला 50,000, दूसरा 15,000 और तीसरा 10,000 के साथ ही 7 और 5,000 रुपए का पुरस्कार चौथे और पांचवें स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि 10 किलोमीटर महिला, पुरुष और बुजुर्ग, 5 किलोमीटर महिला और पुरुष, 5 किलोमीटर छात्र और छात्राओं की दौड़ के साथ ही 2 किलोमीटर रन फॉर पहाड़ दौड़ भी होगी और हर वर्ग के विजेता को पुरस्कार दिए जाएंगे। ये की एक दौड़ होती है हमेशा नैनीताल मॉनसून माउंटेन मैराथन की, और ये पिछले 2 सालों से नहीं हो पाई थी। 2010 में इसको शुरू किया था और इस बार कोविड के 2 साल के गैप के बाद इस बार फिर से हुई। 28 अगस्त को ये दौड़ होगी। ये बेसिकली हाफ मैराथन है और माउंटेन मैराथन है, और इस बार हमने 21 किलोमीटर के साथ साथ 2 और कैटेगरीज इसमें जोड़ दी है, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की ओपन कैटेगरी, वो यहाँ पे होंगी। साथ ही हमने वेटरन्स के लिए इस बार काफ़ी कैटेगरी कर दी है, उनको 21 किलोमीटर में भी मैन वेमेन कर रखा है। 50 साल से ऊपर वाले हैं, 60 साल से ऊपर के हैं, वैसे ही 10 किलोमीटर में भी वो वेटरन्स प्रतिभाग कर सकते हैं। साथ ही जो अभी तक हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाहर के जो खिलाड़ियों के हुए हैं वो लगभग 225 के आसपास हुए हैं, और जो टोटल रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन मिला रही है वो 500 से ऊपर पहुंच गया है, और जिनकी लगभग 1,200 पर जाने की उम्मीद है। तो ये थी नैनीताल से हमारी संवाददाता दीप्ति बोरा की खास रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज।